वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। अभी निकल रहे हैं मस्त छोटी सी राइड के लिए। राइड यानी वही मॉर्निंग की चाय राइड होती है, और जाना है मेरी वाइफ को ड्यूटी छोड़ने के लिए क्योंकि उनकी छुट्टी नहीं है। और आज है हमारा 5वां दिन हॉलीडे का, तो हेलमेट वगैरह सब रेडी है। सामने से दिखाते हैं हेलमेट आपको। ये हमारा हेलमेट, ये ग्लव्स, और ये रही हमारी गाड़ी। गाड़ी का एक फुल डिटेल वीडियो डालेंगे जल्दी, समय मिलेगा तो, कि क्या क्या चीज़ें लगाई है गाड़ी में, हेलमेट कितने का है, ग्लव्स कितने का लिए, और जैकेट जो मिला है वो कितने का है, तो सबकी डिटेल वीडियो बनाएंगे। पहले चलते हैं मस्त चाय पीते हैं। चलो, मैडम को पीछे बिठा लिया है और चलते हैं इनको छोड़ने के लिए आराम आराम से। अभी छोड़ दिया है मेरी वाइफ को जॉब पर और जा रहे हैं सीधा चाय पीने के लिए। अभी जब तक ये दिवाली की छुट्टी ख़त्म नहीं होती है, मॉर्निंग का रूटीन यही रहेगा लगभग सेम टू सेम। सुबह उठेंगे, चाय पीने जाएंगे, घर आएंगे, थोड़े बहुत जो काम है वो करेंगे, शाम को फिर से चाय पीने और घर वापस। यही हमारा प्रोडक्टिव दिन रहता है, यही हमारा छोटा सा दिन रहता है। और ये है हमारा नया हेलमेट, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए। और सिटी राइड के लिए ग्लव खरीदे, स्पीड बोर्ड के लिए कंफर्टेबल है, एक और ग्लव्स लेना है अगर लॉन्ग राइड वगैरह के लिए जाते हैं सेफ्टी के हिसाब से। तो देखते हैं कौन से ले सकते हैं, कौन से नहीं ले सकते हैं। चाय वगैरह पी के हो गया था कंप्लीट, और अभी चल रहे हैं सीधा घर की तरफ। और ऐसे में जो ब्लॉगिंग करने में जो मज़ा आता है ना, अभी क्या करना पड़ेगा, एक और जुगाड़ करके एक और कैमरा खरीदना पड़ेगा, एक ही हैंडल पर और एक इस पे, तो दोनों तरफ का आपको नज़ारा बता सकेंगे। और अभी तो ऐसे ही करने में बहुत मज़ा आता है मुझे, तो चलते हैं घर और थोड़े बहुत जो काम है वो काम करते हैं। आ गए घर वापस चाय वाय पी के, और अभी करते हैं ब्रेकफास्ट। देखो ब्रेकफास्ट में क्या बना हुआ है, ब्रेकफास्ट करते हैं और पूरे के पूरे शूज भी वॉश करना है कैसे भी करके। वो जो सामने दिख रहे हैं वो पूरे शूज वॉश करना है, उसको मस्त निरमा में भिगा के रखते हैं थोड़ी देर के लिए, मस्त पूरे को चमकाते हैं आज शूज को। आज टारगेट ही है हमारा कि शूज धोना ही है कैसे भी करके आज। 5 hours later अभी इवनिंग उठ गए और बहुत सारे काम कर लिए थे, और अभी जा रहे हैं हॉस्पिटल, थोड़ा खांसी सर्दी हो चुका है तो जाते हैं और डॉक्टर को दिखा के आते हैं। और ये मैडम भी आ चुकी है, तो चलते हैं। और गाड़ी से नहीं जा रहे, टू व्हीलर से जाएंगे, यानी टू व्हीलर तो दोनों ही हैं, मोपेड से जाएंगे, मोपेड से। छुट्टी का है दिन और आ चुके हैं हम इवनिंग में ग्रोटो, मस्त अभी ग्रोटो में प्रेयर वेयर करते हैं, फिर चलेंगे मस्त एक चाय पीने के लिए। प्रेयर हो चुका है कंप्लीट और चलते हैं मस्त चाय पीने के लिए। One day later. वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, एक और नए व्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी जा रहे हैं हम लोग, कल मेरी सासू माँ आई थी घर पर थोड़ा बैंक के काम से, तो अभी जा रहे हैं उनको स्टेशन छोड़ने के लिए, उनको ओला कर दिया और हम जा रहे हैं टू व्हीलर से क्योंकि मेरी वाइफ भी है। तो चलते हैं और उनको स्टेशन छोड़ के आते हैं। और नागपुर में पड़ रही है बहुत ज़्यादा ओस और बहुत ज़्यादा ठंडी थी आज। अभी आ गए मम्मी को छोड़कर, मम्मी गए गोंदिया वापस और हम दोनों आए मस्त इंडियन कैफे हाउस, इंडियन कॉफ़ी हाउस, मस्त नाश्ता करते हैं। इनने एक बुर्जी ऑर्डर किए हैं और हमने उत्तपम, तो खाते हैं और फिर चलते हैं घर। आ गया है मैडम का मस्त एक बुर्जी और ब्रेड। आ चुका है हमारा उत्तपम भी और इतना बड़ा है, बाप रे। मस्त चाय मंगाई एकदम विंटेज स्टाइल में, कप और ये इसको क्या बोलते हैं, कप और बसी ऐसा कुछ, तो भी बोलते कप बसी विंटेज, मस्त मज़ा आता है।
खा पी के हो चुका है, ब्रेकफास्ट कर लिया है और जा रहे हैं अभी सीधा घर। अभी कहीं पे भी नहीं रुकेंगे, सीधा घर जाएंगे क्योंकि घर पे भी जाके बहुत सारे काम है हमको। इवनिंग में उठ गए थे बहुत सारे काम करके और अभी बहुत जल्दी करके आ गए हैं ग्रोटो। और ये भाई साहब आए हैं ऑफिस से और हम तो आए हैं घर से, बस एक दिन बाकी है छुट्टी ख़त्म होने को। तो अभी मास सुनते हैं और फिर चलते हैं कॉफ़ी पीने के लिए। खत्म और जा रहे हैं सीधा अभी कॉफ़ी पीने के लिए, मस्त कॉफ़ी पीते हैं और फिर दो तीन काम है वो भी कर लेंगे। अभी कॉफ़ी वॉफी पी के हो गया है और जाना है हमको शंकर नगर, एक शॉप देखा हूँ मैंने, वहाँ से हमको टीम टी शर्ट लेना है स्कूल में पहनने के लिए, क्योंकि जो हमने टी शर्ट टेक्नो की मंगाए थे वो थोड़ी गर्म हो रही थी बहुत ज़्यादा, इसके कारण दूसरी टी शर्ट लेना पड़ रहा है। चलते हैं और किस्मत अच्छी है हमारी कि पट 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 सिग्नल खुले मिल रहे हैं हमको। अभी हो चुका है हमारा डिनर टाइम और मस्त बनी है दाल खिचड़ी पापड़, सब लोग यहाँ बैठे हैं और मैडम भी वहाँ पर बना रही है खाना। क्या चाहिए, क्या बोल रहे, पापड़ चाहिए क्या किसी को? हाँ मम्मी को होना। और ये मैडम सबके लिए खाना बना रही है, पापड़ पापड़ पूरे जले, पूरे अंगार लग गए पापड़ में मेरे कर भी नहीं हुआ और हमको बहुत ज्यादा खांसी हो चुकी है और उसने पापड़ जला दी।